मैनपुरी में दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से मनाही कर दिया। पूरे मामले को लेकर परिवारजन और पुलिस के बीच काफी बातचीत हुई, लेकिन मामला सुलझा नहीं। थाना मैनपुरी के बिछवा क्षेत्र के गांव वुर्रा चकसहरा से जुड़ा हुआ है, जहां आई बारात को ग्रामवासियों और लड़की पक्ष ने दूल्हे और बारातियों को गांव में ही बंधक बना लिया है। पिछली 12 फरवरी को आई बारात को लगातार 3 दिन से बंधक बनाए रखा गया है। शादी की सारी रस्में अदा होने के बाद अंतिम बेला की रस्म होते समय लड़की पक्ष को दूल्हे पर बलात्कार का केस होने की जानकारी मिली। दूल्हा बलात्कारी था और इस बात को लेकर लड़की पक्ष ने पूरे बारात को बंधक बना लिया है। कुछ तत्वों को छुपाया था लड़के पक्ष ने। पूरे मामले को लेकर पुलिस भी पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। 10 से मुख्य बारातियों को बंधक बनाया गया है। विवाह कार्यक्रम में खर्च हुए धनराशि की बात की जा रही। लड़की ने मनाही कर दी जाने से, क्योंकि जब बलात्कारी दूल्हा होगा तो ऐसी स्थिति में दुल्हन कैसे जाएगी सैया के साथ। हो रही थी, रोक दी गई, क्या वजह जी? सर, ये लड़का ये सब इस पर साहब मुकदमा है, साहब दफा 76 लगी हुई है, इसलिए सर नहीं वाले पता कर रहे। अच्छा, बारात कब आई थी, कहाँ से आई थी? बारात आई थी भदौ से, जिला एटा। ये जानकारी कब हुई आपको, मुकदमा लगा हुआ है? जी सर, कल जानकारी हुई। किस समय? शादी होने के बाद। क्या है, आप जो ना द्वारचार चल रहा, वो क्या चल रहा था, क्या बेदी रस्म कौन सी चल रही थी? बेदी माले बात चल रही थी, उसी इन्हें के चाचा ने मुझको बताया। अच्छा, तो आप लोग अब बाराती यहाँ रुके हुए हैं, आप लोग विदा क्या? जी सर, विदा नहीं, अब तो मैं अपना हिसाब कराना चाहते हैं, बस हम लड़की को नहीं भेजेंगे वहाँ पर। बारात आई थी, आप लोगों ने विदा नहीं करी, क्या वजह रही है? वजह साहब जा रही, हम जैसे ही बेली का वो देने गए, हाँ उनके चाचा स्वयं थे, उनने बताया कि देखो लड़का पर 76 लगा। अच्छा, तो आप इसीलिए हमने साहब बिताई नहीं की। क्या गुड़िया ने भी इनकार कर दिया बिताई के लिए? गुड़िया ने भी कर दिया है, साहब बुझ सकते हो आप। अच्छा, तो आप लोग अब क्या आगे करने वाले? आगे करने वाले साहब, हमारा जो खर्चा हुआ वो दिला दिया जाए, बस कोई बात नहीं।